हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो यार, वैसे ये वीडियो भी मैं नहीं बनाना चाहता, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया कि नहीं यार, मैंने सोचा कि ये वीडियो भी मुझे बनानी चाहिए। सही है जी। शुरू यहाँ से कर दे कि मैंने आज़ाद चायबल पे एक वीडियो बनाई थी, जब उन्होंने कहा था कि डिग्री कुछ नहीं होता। सही है जी। उन्होंने एक बात मेंशन की कि डिग्री को पाड़ दो, स्किल्स सीखो, स्किल्स आपको बहुत कुछ दे सकता है। सही है जी। मैंने भी उसके साथ एग्री किया है, लेकिन कुछ फैक्ट्स थे, कुछ चीज़ें थी जो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे आप इसका आंसर देंगे। सही है जी। अब कुछ दिन पहले जब मैंने अपना वो देखा, वीडियो देखा, तो वह जो मैं थंबनेल था उस पर मैंने एक चीज़ मेंशन किया, एक छोटा सा चीज़ मैंने उस पर पुट किया है। सही जी, इनपुट किया इस पर, ठीक है, थंबनेल पे खास कर। अब जब मैंने उसको देखा तो मैं वैसे खफा भी हो गया कि मैंने ये गलती की है। सही जी। उसकी गलती को मतलब मैं मानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप कि वो भी वीडियो देखेगा और आप व्यूवर्स भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। सही है जी। तो मैंने माफ़ी के लिए आज़ाद भाई को मैं कह रहा हूँ कि यार मुझसे गलती हुई है, वीडियो बनाने के लिए नहीं, जो तमिल में मैंने छोटे से चीज़ मेंशन किया था उसके लिए। अब मैं उसको हटाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह उसको हटा दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ मैंने मेंशन कर दिया था मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सही है जी। और आई होप आप मुझे माफ़ भी करेंगे, आपका दिल बहुत बड़ा है। सही जी। मैं इख्तलाफ़ मेरा हक है, राय देना आपका भी हक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन बता दूँ यहाँ पे कि आज़ाद चाय वाला वाहिद ऐसे इंसान है, जब कोई इसके पीछे बात करे या कोई इनसे क्वेश्चन रखे तो ये उनको रिप्लाई ज़रूर देता है। रिप्लाई का मतलब ये नहीं, वो उन आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। सही है जी। तो इस बात पे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। सही है जी। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है, मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन है मेरी। सही है जी। ऑडियंस के नहीं, मेरे क्वेश्चन है, शायद सख्त भी हो लेकिन आपने उसका आंसर देना होगा। सही है। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन, जब मैंने आपने कहा था कि मुझे आना है इस प्लेटफॉर्म पे, मैं आया हूँ लोगों की मदद के लिए। सही जी। मैं आपको अवेयरनेस देना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सीखिए, हमारे हमारे आवाम कुछ सीखे। सही। आपने ये आपका जो एम था आप लेकर आए थे अपने साथ की, मेरा ये गोल है। सही है जी। मेरा चैनल इससे पहले किस चीज़ के बारे में था, मेरे व्यूवर्स को भी पता है, मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको भी शायद पता हो, आपको भी पता होना चाहिए। सही है। मैंने आज़ाद भाई को मैसेज किया कि यार आज़ाद भाई, मेरा ये चैनल है जिस पे मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, एजुकेशन रिलेटेड है। सही है। मैंने ये कंप्लीट किया, तकरीबन 75-80% मैंने इस पे अपना वर्क कंप्लीट कर दिया। अब जितना रह गया है मैं उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो बैकअप आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। मैंने कुछ वीडियोस बनाकर अभी मेरे सिस्टम में है, मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि वजह क्या थी, मैंने कहा कि जब ये मेरा हेल्प करेगा तब मैं इसको प्रमोट अपलोड करूँगा तो व्यूवर्स ज़्यादा होंगे, मतलब लोग ज़्यादा देखेंगे। सही है। मैंने जब इनको वॉइस किया तो इन्होंने मुझे रिप्लाई में किया कि पहले बहुत एहतराम के साथ उसने मुझे सलाम वलाम कहा और मुझे रिप्लाई कर दिया। तो कहा उसने कि यार आज़ाद चाय वाला असल में किसी किस्म का प्रमोशन नहीं करता। सही जी। वो प्रमोशन नहीं करता आपका, जो मतलब यही हुआ कि आज़ाद चाय वाले की डोमेन में आपका चैनल का कंटेंट शामिल नहीं है, मतलब वो इस तरह की चीज़ें को प्रमोशन करता ही नहीं। तो वैसे मैं हो भी गया, बहुत नाराज़ भी हो गया कि यार एक शख्स का एम यही है कि मैं अवेयरनेस पैदा करूं, मैं अपने लोगों को कुछ सिखाऊं, मैं आया हूं, मैंने एजुकेशन से रिलेटेड अपना चैनल स्टार्ट किया है, आपको चाहिए कि मुझे प्रमोट कर ले। मैंने सेकंड वॉइस कर दिया, सेकंड वॉइस ये कर लिया कि आज़ाद भाई से आप कह दे कि अगर मेरे चैनल की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जीमेल हो चाहे वो पासवर्ड हो, मैं वो आपको दूंगा। सही है जी। मेरा काम क्या होगा, मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगा, वीडियो अपलोड भी मैं करूंगा। सही है। इसकी चैनल अगर आगे गया, आगे अभी तक नहीं गया, यही चैनल है, इंशाल्लाह जाएगा, उम्मीद होप यकीन आगे गया। अगर इससे आपकी अर्निंग का सोच है कि मैं इससे अर्निंग, वो भी आप ले, जो भी आप चाहे, मतलब मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये चैनल आगे ले जाऊँ, एजुकेशन का चैनल मैं आगे ले जाऊं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं शायद इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। सही है। उसको याद फिर किसी वक्त मैं आपको बता दूंगा फारिग टाइम में। तो मुझे मैसेज किया जाता है कि सॉरी यार आज़ाद भाई अब यूके में हैं,
ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद मैंने उसको मैसेज किया था, सही है, अब मुझसे भूल भी गया है, मैसेज पड़े हुए मेरे मोबाइल में भी मैसेज है लेकिन मैं उसको नहीं देख रहा, मैं आपको वो सब कुछ बता रहा हूँ ना। अच्छा, आज़ाद भाई यूके में है और वो जब आएंगे तो आपकी बात मैं उनको पहुँचाऊँगा। अच्छा, फिर मैंने इंटरव्यू की बात की कि मैंने कहा था, मैं ये सोच रहा था कि एक बार इसको मैं लाइव कॉल में लूँगा, मैं इसके ये क्वेश्चन उठाऊँगा कि आप लोगों को ये बता रहे हो कि आप ये करो वो करो और दूसरी तरफ आप किसी की प्रमोशन नहीं करते, एक ऐसे चैनल की प्रमोशन नहीं करते जो मेहनत कर रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, कुछ सिखा रहा है। देखिए, मैं इससे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि ये सारे लोग जितने भी लोग हैं हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं जी, कसम से हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, अब मैं उस दिन देख रहा था कि एक वीडियो का यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसका टाइटल जो रखा गया था, थंबनेल रखा गया था, बहुत अट्रैक्टिव था। अब अंदर गया तो उसमें कुछ भी नहीं था, तो मुझे गुस्सा भी आया, मुझे बेवकूफ़ बना दिया ना कि बाहर से क्या है और अंदर उसमें क्या है, सही है। तो अगेन वही बात कि एक तरफ आप ये दावा कर रहे हो कि यार मुझे ये काम करना है और दूसरी तरफ आपकी मैसेजेस आप ज़रा देख ले, मैंने आपको मैसेज किया था बहुत अच्छी तरीके से, अगेन भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे रिप्लाई किया उस वक्त में, ये भी आपका बहुत बड़ा फन है, सही है। शुरू यहाँ से हुआ था कि आप मेरे चैनल की प्रमोशन करवा रहे, एजुकेशन रिलेटेड है, आपका जो एम है, आपका जो सोच है, आपका जो फिक्र है, आपका जो गोल्स है वो मेरे भी गोल्स हैं, मैं भी अपने आवाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ लेकिन शायद आपने नहीं किया। अब आ जाते आपकी जो क्या है जी, दूसरे पे आ जाते फिर तीसरे पे जा जाएंगे, सही है। दूसरा ये है कि अब इन्होंने जो नई अपडेट्स जो इनकी वीडियो आ रही है वो ये है बिटकॉइंस पे, मुख्तलिफ चीज़ें के बारे चीज़ों के बारे में, सही, मैं इसको इस पर अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, मेरे व्यूवर्स को भी, मेरे दोस्तों को भी, मेरे जितने व्यूवर्स हैं दोस्त हैं, अगर दो चीज़ें हमेशा किया करो, अगर तनकीद आप कर रहे हो एक जगह पे, अगर आप किसी पे तनकीद करो तो दूसरी तरफ आप उसको अप्रिशिएट भी करोगे। अब ज़रूरी नहीं कि अगर एक शख्स गलत काम सही काम कर रहा है उससे गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा काम है शायद मेरी वीडियो से वो अपनी कुछ आइडिया गेन करे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, सही है। आप मुझे बताएंगे मेरी वीडियोस के जवाब देकर, मैं आपसे सीखूंगा। याद रखिएगा, सीखने इंसान छोटा और बड़ा नहीं होता, सही है। तो मैं मुझे इस पे फ़ख्र है कि मुझे इन जैसे लोगों से सीखने पे मिल जाए, सही है। तो बात कहाँ थी, बात कहाँ थी, मुझसे बात भूल गई। अच्छा, ये जो आजकल जो अपडेट्स चल रहे हैं इनकी वीडियोज़ की ना, तो बहुत अच्छे वीडियोस ये बना रहे हैं बिटकॉइंस पे, इसने बहुत अच्छी वीडियो बनाई बिटकॉइंस असल में है क्या, बहुत वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जा सकते हैं वो उसकी वीडियो देख ले, बहुत अच्छी वीडियो, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको इस सही काम पे। अब आ जाते जो आपने पहले किया था जिसकी वजह से मैंने आपके खिलाफ वीडियो बनाया था, सही है। आपने कहा था कि डिग्री को पाड़ दो, डिग्री फजूल है, स्किल सीखो, मैं बता रहा हूँ मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास स्किल्स है ना। अच्छा, आपने कहा फाइवर पे आ जाओ, अपवर्क पे आ जाओ, फ्रीलांसर की डिफरेंट वेबसाइट्स है, सॉफ्टवेयर्स है, उस पे आ जाओ। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि ये जो जितने भी फाइवर्स पे है या अपवर्क पे है, ये बड़ी मुश्किल से आगे जा चुके हैं, सही है। इन्होंने बहुत मेहनत की होती है, अब वो स्टेज नहीं रहा, अगर वो एक हफ्ते में आगे जा सकते, अब आपको सारे लग जाएंगे, आप नहीं जा सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास स्किल्स भी है ना, तब भी नहीं जा सकते, और ये परमानेंट नहीं होता। अगर एक अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया तो फिर आप उस दूसरा अकाउंट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं इसको इसी वजह से मैं आपके खिलाफ था, सही है। अच्छा, जब भी आप लाइव आ जाते थे यही कहते थे या वीडियोज बना लेते कि मेरा वो है क्या कहते हैं उससे मेरा एकेडमी है, यस एकेडमी है, जिसमें आपको 40,000 रुपये ये सीखने को मिलेगा, ये सीखने में। देखिए, उसमें क्या था, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, जो कि मेरे यहाँ से 5 मिनट में आपको बता दूंगा। वीडियो एडिटिंग, कौन सा आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, देखिए वेगास प्रो, एडोब प्रीमियर सीसी, मैंने इस लॉकडाउन में इसको सीखा, एडोब प्रीमियर सीसी को, सही है। मैंने लोगो डिज़ाइनिंग सीखा, वो क्वालिटी शायद मैं नहीं प्रोवाइड कर सकूंगा अपने व्यूअर्स को जो होनी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने और तो क्या सीखा? मैं इसके खिलाफ था कि आप अपने वीडियोस में आकर ये बता रहे हो कि मेरे एकेडमी पे आओ, यार आप अपनी एकेडमी पे लोगों को ला रहे हो, आप ये क्यों नहीं बताते, ये क्यों नहीं बताते कि मैंने स्टार्ट किया है चैनल पे, अब जाके
उसकी भी आपको पैसे मिलेंगी, लेकिन एक हमारे लिए तो फ्री होगा ना, मेरे व्यूवर्स के लिए मैं भी उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ तो मैं आपको पे कर रहा हूँ, सही है। मैं, मेरा व्यूवर्स, मेरे दोस्त जितने मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो मुझे कुछ पैसे दे रहे हैं, सही है, जो कि एक हकीकत है। और मानता कोई भी नहीं, मेरे जैसे यूट्यूबर नहीं मानते यार, ये भी देखेगा, ये भी देखेगा, क्यों नहीं देखेगा, मेरा दोस्त है जो, नहीं, आपका एहसान है हम पे कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और इसको शेयर करते हैं, सही है। तो बात फिर कहाँ से कहाँ निकल जाती है, लेकिन मैं अगेन यही कहूँगा कि आपने जो कहा था कि मेरे अकेडमी पे आओ, आप उससे हट गए हो। बहुत कुछ मैंने ये नोटिस किया है कि आप उससे हट गए हो, तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे और वीडियोज़ भी, व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, लाइक्स भी आएंगे। सो अगेन यही बात कि यार थंबनेल पे जो था उसके लिए, सिर्फ वीडियो में जो था उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोल सकता, उसके लिए मैं सॉरी हरगिज़ नहीं बोल सकूँगा, सही है। मुझे आपकी रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि आपने, आपका जो सोच था, फिक्र था, आपने कहा था कि मैं ये अपने आवाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने जब आपको ये ऑफ़र दिया कि यार मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपने इनकार क्यों किया, मुझे इस क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं मिला। लेकिन हाँ, वो आंसर सही होना चाहिए, ठीक है ना, लोगों की, ऑडियंस की आंखों में धूल झोंकने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे क्लियर कट बता दे कि मैं नहीं करना चाहता। यार तू मुझे क्या देता, तू मुझे 5,000 देता, 10,000 देता, 1,00,000 देता, मैं प्रमोशन करता ही नहीं। फिर बात आ जाती है, अगर आप प्रमोशन नहीं करते तो आपने बहुत से ऐसी चीज़ों की प्रमोशन किए, प्रोडक्ट की प्रमोशन किए, ऐप्स की प्रमोशन किए, जो मैंने खुद देखी है। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, आपके आंसर्स के, आपके जवाबात के मैं इंतज़ार में रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, अगर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपकी सोच से, तो यार थम्स अप करें ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो सके। वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। सो अगेन यार थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।